हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम पेंसिल से मोहम्मद इकबाल का फेस स्केच करेंगे। तो फेस स्केच करने के लिए हमने सबसे पहले उनकी आईब्रो बनाई है, उसके बाद हमने उनकी आईज बनाई है, इसके बाद अब हम उनकी नोज़ ड्रॉ करेंगे, अब हम उनकी मूँछों को बनाएंगे। इस तरीके से हम स्केच बनाएंगे। अब हम उनके लिप्स बनाएंगे, फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा इनके फेस का शेप देंगे। तो फिर देखिए, इस तरीके से हमने उनके फेस का शेप दिया है। और अब हम इनके ईयर बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो अब हमने इनके कॉलर बनाई है। कॉलर बनाने के बाद इनका कोट बनाया है और बटन बना दिया है। और इस तरीके से हमारा कोट बन के तैयार हो गया है इकबाल मोहम्मद जी का। इसके बाद हम इनके हेयर कोट ड्रॉ करेंगे। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए एक बराबर की पेंसिल चलानी है, एक लाइन की में, जिससे ये हमारा बिल्कुल बाल सेट होकर आएगा इनका। और इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब हम इसके बाद में इसमें डार्कनेस लाने के लिए थोड़ा सा पेन की सहायता से इसे डार्क करेंगे। तो अब हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब हम पेन से इन्हें थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारे बहुत ही उभर के आएंगे स्केच। देखिए कितने ही आसान तरीके से ये उभर के आएंगे और अच्छे दिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से हम इन्हें डार्क कर देंगे और पूरे कोट को ऐसे ही डार्कनेस कर डार्क लाएंगे और इनके हेयर को डार्क कर देंगे। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसमें सेट कर देंगे कोट पर। इसके बाद हमने कोट को भी थोड़ा डार्क कर दिया। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।